यो यो पीपल, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। स्वागत है आप सभी का मेरे इस न्यू व्लॉग में। सो आज बहुत समय के बाद, लगभग एक महीने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं व्लॉग बना रहा हूँ। मैंने एक्चुअली ट्राइपॉड जो है मंगाया था, आज अमेजोन से आया है, तो आज मैं उसी ट्राइपॉड से शूट कर रहा हूँ मेरा व्लॉग। एंड मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने आज का दिन किस तरह से प्लान किया है। ये रहा, पहले मैं बहुत सारे टास्क लिखता था अपने इस बोर्ड पे, बट मुझे बाद में पता चला कि ये सारे टास्क मेरे से इतने सारे नहीं हो पाते, तो मैंने अभी बहुत कम कर दिया है टास्क। तो मैं बहुत कम टास्क लिखता हूँ एंड उसके बाद जो है वो सारे टास्क कंप्लीट करने का ट्राई करता हूँ। सो आज मुझे कंटेंट बनाना है, देन रील वीडियो बनानी है, देन अभी ये जो व्लॉग मैं बना रहा हूँ उसकी एडिटिंग भी करनी है। सैटरडे संडे मेरा लाइव है इंस्टाग्राम पे, तो उसके लिए मुझे पोस्टर बनाना है, प्रपोजल्स भेजने स्कूल्स एंड कॉलेजेस को पब्लिक स्पीकिंग के लिए, एंड मेरी इवनिंग में जो है कंसल्टेशंस कॉल है। सो अभी बहुत सारा काम बचा है, तो सबसे पहले अभी मैंने फ्रेश वेश हो चुका हूँ मैं, अभी मैं ब्रेकफास्ट करूंगा। ब्रेकफास्ट जैसे ही करता हूँ सबसे पहले मुझे कंटेंट अपलोड करना है, मुझे रील वीडियो बनानी है, देन उसके बाद और बहुत सारे काम जो है मैंने बोर्ड पे लिखे हैं सारे टास्क मुझे कंप्लीट करने हैं। सो तब तक बने रहिए इस ब्लॉग में एंड मैं एंडिंग में आपको एक सरप्राइज देने वाला हूँ। तो यहाँ पर मेरा नाश्ता आ चुका है। बेसिकली मैं बहुत लाइट वेट ब्रेकफास्ट करता हूँ एंड यूजुअली पार्ले जी मेरा फेवरेट है बचपन से ही। सो मैं अभी चाय बिस्किट खाने वाला हूँ। तो फाइनली द सेटअप इज रेडी एंड मैं जो आपको ट्राइपॉड की बात कर रहा था, ये है वो ट्राइपॉड, ये ऑक्टोपस ट्राइपॉड इसे कहते हैं। मेरे पास पहले गोरिल्ला का था बट वो अच्छे से नहीं चल रहा था, तो फिर मैंने ये वाला मंगाया अमेजोन से एंड यहाँ पर बैठ के जो है मैं अभी शूट करने वाला हूँ रील वीडियोज, आईजीटीवी वीडियोज। एंड जब भी मैं लाइव भी जाता हूँ तो यहीं से जाता हूँ, बट पहले ये ट्राइपॉड नहीं था तो मैं बॉक्स लेके, बॉक्स के ऊपर बॉटल रख के, उसके ऊपर मोबाइल रख के जो है लाइव जाता था, बट अभी थोड़ा जुगाड़ हो चुका है सो अभी यहाँ पर है। सो चलिए अभी रील बनाते हैं। सो मेरा कंटेंट बना के हो चुका है, मैंने रील वीडियो भी अपलोड कर दी है एंड मैं आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आप सारे लोगों को पता ही होगा कि मैंने पब्लिक स्पीकिंग की जर्नी स्टार्ट करी है। मैंने ऑलरेडी जब मुझे 2018 में जॉब लगा था तो मेरा जॉब उसी में था कि मुझे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जाके जो है वर्कशॉप डिलीवर करना है। बाद में मुझे पता चला कि यार मैं टीचिंग इतने अच्छे से कर सकता हूँ तो क्यों ना मैं लोगों को सिखाऊं कि किस तरह से पब्लिक स्पीकिंग होती है, बिकॉज पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत इसेंशियल और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है मेरी जिंदगी का। सो मैंने पब्लिक स्पीकिंग की कंसल्टेशन कॉल्स एंड ऑल चालू की है, जहां पर मैं फ्री में लोगों को कंसल्टेशन कॉल्स देता हूँ पब्लिक स्पीकिंग रिलेटेड। अगर आपको भी फ्री में 30 मिनट जूम पे वन ऑन वन कंसल्टेशन चाहिए मुझसे पर्सनली, तो डेफिनेटली लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फॉर्म फिल कीजिए एंड जैसे ही आप फॉर्म फिल करते हो वी विल गेट बैक टू यू। आपको डेफिनेटली एलिजिबल होना पड़ेगा एंड वो जो भी फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये नॉर्मल सर्वे की तरह बिल्कुल भी मत लो, बिकॉज ये क्वेश्चन स्ट्रेटेजिकली मैंने उसमें ऐड किए हैं। बिकॉज जब भी आप कॉल पे आओगे मेरे साथ मैं चाहता हूँ कि आपने जितने भी क्वेरीज दिए हैं उस फॉर्म में उसके सॉल्यूशन आपको मिले। सो इस फॉर्म को डेफिनेटली हल्के में मत लेना, पूरा डिटेल में जितना डिटेल में लिख सकते हो उतना डिटेल में फॉर्म को भरना एंड अगर मुझे लगता है कि आप एलिजिबल हो डेफिनेटली मैं आपको पर्सनली कॉन्टेक्ट करूंगा एंड वी विल कनेक्ट ऑन अ जूम वन ऑन वन सेशन। एंड काफी मजा आता है, जितने भी लोगों ने ये सेशंस लिए हैं मेरे उनका सिर्फ एक ही फीडबैक है, वैल्यूएबल ऑसम ये फीडबैक। सो मैं भी यही चाहता हूँ कि फ्री इस कॉल से डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की हेल्प हो। एंड डेफिनेटली एक और चीज होती है कि आप एक दिन में या फिर 30 मिनट्स में तो पब्लिक स्पीकिंग नहीं सीख सकते, तो मैं आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि आप मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम में किस तरह से आपकी हेल्प हो सकती है। बिकॉज जब आपको एक वन ऑन वन मेंटरशिप मिलती है देन डेफिनेटली आपका ग्रोथ डेफिनेटली बूस्टअप मिल जाता है आपके इसको। सो डेफिनेटली लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉर्म फिल कीजिए देन वी विल कनेक्ट ऑन अ जूम वन ऑन वन कॉल। अभी और भी बहुत सारे टास्क बाकी है मेरे, जैसे कि अभी मुझे पोस्टर बनाना है, सैटरडे और संडे को मेरा लाइव सेशन है तो दोनों के लिए मुझे पोस्टर बनाना है। पोस्टर में बेसिकली कैनवास से ही बनाता हूँ। आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं अपने थंबनेल्स बनाने के लिए, पोस्टर बनाने के लिए कमेंट में जरूर बताना। एंड अगर आपने मेरा दिल्ली का व्लॉग नहीं देखा है तो डेफिनेटली वो भी देख लो, उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं दिल्ली गया था मेरी को फाउंडर से मिलने, बेसिकली प्रतिष्ठा से मेरी मुलाकात इंस्टाग्राम पे ही हुई थी एक साल पहले, देन हमारा एक अच्छा सा कनेक्शन बन गया, अच्छा बॉन्ड बन गया एंड उसकी भी स्पीकिंग अच्छी थी, तो हमने साथ में मिलके जो है हमारी एकेडमी खोली है पब्लिक स्पीकिंग की एंड हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग इम्प्रूव करने के लिए। सो डेफिनेटली अगर आपने वो दिल्ली का व्लॉग नहीं देखा है तो अभी के अभी जाइए
एंड अगर मैं आई बटन पे भी आपको दे दूंगा दिल्ली का व्लॉग का लिंक, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, दिल्ली का व्लॉग जरूर देखिए। एंड सो हाय एवरीवन, अभी शाम के बज रहे हैं 7 एंड मैं थोड़ा काम वाम करके जो है मैं सो गया था, एंड अभी जस्ट मैं उठा हूँ। एंड आप देख सकते हो मेरे इतने सारे टास्क जो है कंप्लीट पर दिखा देता हूँ। एंड मैंने कंटेंट बना लिया है, रील बना लिया है, व्लॉग की एडिटिंग बाकी है बिकॉज मैं अभी तक व्लॉग बना रहा हूँ, पोस्टर बना लिया है, मैंने प्रपोजल सेंड कर दिया है, अभी कंसल्टेशन कॉल्स भी मेरी एक पेंडिंग है। सो सबसे पहले मुझे कंप्लीट करना है। एंड हमारे साथ जो है छोटी है, तो मैं बताता हूँ छोटी कौन है। आपका नाम क्या है? छोटी। आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? फोर्थ। आपके बहन का नाम क्या है? सोनम। क्या करते हैं वो लोग? अरे बड़ी बहन का नाम है तो काम करती है, छोटी बहन का नाम है वो मस्ती करती है। मस्ती करती है। और तू क्या करती है? घर में बैठती हूँ। बैठती है। तेरे बहन लोग कहाँ पर है? गांव में। तो तू इधर मुंबई में क्यों है? ऐसे ही रहती, ऐसे ही मुंबई में ही मेरा घर है। मुंबई में ही तेरा घर है? हाँ। अच्छा चल, हाय बोल दे सबको। हाय बोल। हाय। हाय गाइस बोल। हाय गाइस। ओके सो देखा आपने, इसका नाम रियल नाम अदिति है। एंड ये हमारे बाजू में ही रहती है, पड़ोस में। एंड ये हमारे साथ आती है शाम को खेलने के लिए। सो आज अभी बहुत सारे काम बचे हैं, स्टिल पेंडिंग है, मुझे व्लॉग एडिट करना है, कंसल्टेशन कॉल करनी है, तो ये दो चीज़ करता हूँ। एंड मैं आपको एंड में जो है एक सरप्राइज देने वाला हूँ, तो एंड तक व्लॉग को देखते रहिए। एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना। सो मैं आपको मिलाता हूँ हमारे नए मेंबर से, एंड इसका नाम है निक्की। इसको पूरी मराठी समझ आती है, जब भी हम इसका नाम लेते हैं निक्की, ये उठ के अपनी जो है पूंछ हिलाती है। अभी देखो जस्ट सी नाउ निक्की, देखो आप अपनी पूंछ हिलाएगी। अभी अगर मैं इसको बोलूंगा बाहर जाए तो ये फटाक से बाहर जाएगी। निक्की चल बाहर, जा बाहर 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 निक्की। देखो इसे पूरी जो है हिंदी आती है। एंड शी इज़ विद अस सिंस 6 to 7 years। 2014 में हमने इसे लाया था, मतलब मेरे भाई ने इसे लाया था। एंड शी इज़ लाइक अ प्रो डॉग आई कैन से। अभी मैं थोड़ा बाहर जाने वाला था दुकान के लिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी बारिश होने वाली है तो फिर मैं थोड़ी देर में जाऊंगा। बट मैं आपको किसी से मिलाना चाहता हूँ, आपने इसको वीडियोस में देखा रहेगा। वीडियोस में क्या नाम था तेरा? राधे। राधे, राधे को आपने देखा रहेगा। मैं राधे को आपसे हाय गाइस। राधे तेरा असली नाम बता दे आज सबको, क्या है? हर्षद। एंड तू कौन से स्कूल में है अभी फिलहाल? एंड कौन से स्टैंडर्ड में? 7। एंड ये भी बता कि तू जो एक्टिंग करता है वो तूने कहीं से सीखी नहीं है, तो वो खुद से करता है। मैं किधर से सीखा नहीं हूँ, मैं खुद से करता एक्टिंग। राइट। अभी बहुत समय हो गया गाइस कि हमने वीडियो नहीं बनाया, पर डेफिनेटली हम कल करने वाले हैं शूट। कल के लिए एक्साइटेड है हर्षद? हाँ बहुत। ठीक है, कल भी नया कपड़ा पहन जाऊंगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। सो या चल कल मिलते हैं हर्षद। बाय गाइज। बहुत समय के बाद मैं कुछ बनाने वाला हूँ आज। आप कमेंट करके बता देना कि आपको क्या लगता है कि मैं क्या बनाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आलू बॉईल करने वाला हूँ, तो मैंने पानी ले लिया है यहाँ पे। एंड मैं इसमें आलू डाल के जो है अभी सबसे पहले बॉईल करूंगा। एंड आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना कि मैं क्या बना सकता हूँ इससे। सो लेट्स सी आप क्या बनने वाला है, तब तक आप एक्साइटेड रहिएगा। तो गाइज अभी आपको पता लग ही गया होगा कि मैं क्या बना रहा हूँ। एंड यहाँ पर तेल भी रेडी हो चुका है। सो ये हमारे डिश का नाम है आलू टिक्की। एंड मैंने इसमें बहुत सारे मसाले डाले हैं, जैसे कि मैंने चिल्ली पाउडर डाला है, गरम मसाला, चाट मसाला, चिल्ली फ्लेक्स। एंड अभी बस मुझे इसे तलना है इस गरम तेल में, तो सबसे पहले मैं इसे तलूंगा, देन आपको दिखाता हूँ कैसा होता है। सो चलिए, एक तेल गरम हो चुका है एंड मैंने अभी इसमें डाल दिया है। एंड इसे मुझे ब्राउन होने तक जो है फ्राई करना है। तो बने रहिए एंड मैं आपको एंड में दिखाऊंगा अभी। तो गाइस फाइनली बन चुकी है हमारी आलू टिक्की, फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया है। एंड ये जो आपको थोड़ा थोड़ा व्हाइट व्हाइट दिख रहा है वो कॉर्नफ्लावर है, वो एक्स्ट्रा हो गया था। मैं यूट्यूब से वीडियो देख के बना रहा था, तो वहां पर कहा गया था कि कॉर्नफ्लावर जो है थोड़ा एक्स्ट्रा होगा तो हटाना है, तो वो गलती से थोड़ा सा रह गया, इसलिए आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा होगा। फर्स्ट ट्राई था मेरा। एंड आप मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा है एंड आपको देखने में किस तरह से लग रहा है। अभी मैं डेफिनेटली इसे टेस्ट करने वाला हूँ। सो या
सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं एंड ऑफ द व्लॉग। अभी रात के बज रहे हैं 10। मैंने खाना वाना सब कर लिया है एंड आलू टिक्की भी मैंने बनाया था, काफ़ी सही था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने बहुत सही बनाया था। एंड एक और जो गुड न्यूज़ जो मैंने आपको बोला था कि सरप्राइज है, वो सरप्राइज ये है कि सून आई एम गोइंग टू लॉन्च अ पब्लिक स्पीकिंग कोर्स। फ्री होगा ताकि सब लोग एफर्ड कर पाए। एंड इस क्रैश कोर्स में बेसिकली क्रैश कोर्स होगा पब्लिक स्पीकिंग का, 7 दिन का। उसमें सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे स्क्रैच से लेकर आप कैसे कॉन्फिडेंट स्पीकर बन सकते हो। सो स्टे ट्यून फॉर द सेम। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर देना, कौन सा पार्ट वीडियो का सबसे ज्यादा पसंद आया वो भी कमेंट कर देना। एंड क्या आपको ऐसे ही व्लॉग्स आगे फ्यूचर में चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।